देखिए लोगों में बहुत जबरदस्त जोश खरोश है। अभी हम देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे से लोग लंबी लंबी कतारों में अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं, कब वो वोट डाले। इस सब की हम बात करें, देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हमने देखा वोट परसेंटेज 58 तक हो गई, और आज जो असेंबली इलेक्शन है लोग बड़ी बेसब्री के साथ इस इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपनी नुमाइंदगी, आज उससे भी ज्यादा वोट परसेंट होगी। इसी की बात हम करें कि जम्मू कश्मीर बदला है, बदले हुए जम्मू कश्मीर में लोग अब डेमोक्रेटिक सेटअप को ही लाइक करते हैं, लोग डेमोक्रेसी के जरिए ही अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इसी चेंज की हम बात करें कि क्योंकि कश्मीर ने अब आतंकवाद, सेपरेटिज्म, बम, ग्रेनेड, गोलियों को खारिज करके बैलेट पेपर को चुन लिया, और बैलेट पेपर के जरिए वो अपनी बात कहना चाहते हैं। क्या मैसेज आ रही है? देखिए इससे यही मैसेज है कि लोगों ने अब आतंकवाद को छोड़ दिया, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को छोड़ दिया, पत्थरबाजी, ग्रेनेड, बम, जितनी भी यहां चीजें थी वो सब कुछ छोड़ दिया, और अब 2019 के बाद लोग इंडियन डेमोक्रेसी को लाइक करते हैं, और लोग अब फख्र करते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सिटीजन है, और उसी डेमोक्रेटिक हक को अदा करने के लिए आज लोग लंबी लंबी कतारों में बाहर निकले। हमें देखा कि ओल्ड एज पर्सन भी थे। देखिए जवान हो, बूढ़े हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो, माएं हो, बहनें हो, सबकी लाइन लगी है, सबकी कतार है, और दौड़ में है कि मैं सबसे पहले अपना वोट डालू। और जिस तरह से हमने देखा कि आज जो माहौल कश्मीर में बना है ये वो माहौल है जो 34 साल पहले माहौल यहां हुआ करता था, और लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो नया जम्मू कश्मीर मोदी का नारा, नया जम्मू कश्मीर अब कामयाब हो गया, और नए जम्मू कश्मीर में अब लोग वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now।